बैरल एक्चुअली बहुत करीब है हम लोगों के लिए, क्योंकि आई थिंक अंधेरी में, इनफैक्ट बॉम्बे में, इस साइड हमारे वेस्टर्न साइड में इज़ द बेस्ट प्लेस टू पार्टी, एंड दे हैव बीन सो वार्म एंड गुड टू अस एंड दे ऑलवेज वेलकम अस एंड दे ऑलवेज वांट अस टू पार्टी हियर. एक साल पूरा हो गया और कहीं ना कहीं एक साल सेलिब्रेशन का टाइम है. सो जब मुझे कॉल आया आई कुडंट से नो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज करता नहीं, बट जहाँ करीबी लोग होते हैं उन्हें मिस नहीं करता. सो दिस इज़ द रीज़न आई एम हियर एंड आई एम रियली होपिंग कि अंदर जाके बहुत धमाल होने वाला, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग, मैंने कहीं पार्टी नहीं करी है पिछले 2-3 महीनों से, मैं कहीं गया ही नहीं. सो आई एम रियली होपिंग फॉर अ गुड. यार गाने कोई भी चलते हैं, आई एम बॉर्न एज अ डांसर सो आई कांट चूज सॉन्ग्स. जो म्यूजिक बजता है वो मेरे लिए काफ़ी होता है बिकॉज आई एम बॉर्न फॉर दिस. सो ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं है कि ऐसे गाने बजना चाहिए, जस्ट गुड म्यूजिक है ना हम ओके. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत पार्टी हॉलिक नहीं हूँ, मैं पार्टी से थोड़ा सा दूर रहता हूँ. मैं कभी कभार 1-2 महीने, 3 महीने में एक बार पार्टी करने जाता हूँ, बिकॉज सिंस आई एम वर्किंग मैं म्यूजिक के बीच में रहा हूँ दिन रात, तो कभी कभी मन करता है कि थोड़ा म्यूजिक से दूर हो जाऊँ, इसलिए पार्टी कम करता हूँ. दैट्स इट. चार्ली इज़ बिजी विथ हर बर्थडे वीक, बिकॉज उसका बर्थडे है 2 दिन के बाद, तो वो अपने फन में है और मैंने उसे चाहा है कि ठीक है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इन्जॉय दिस वे यू शुड इन्जॉय दैट वे. सो मोस्टली नेक्स्ट मंथ, बिकॉज एक शॉर्ट फिल्म जो बहुत टाइम से इट्स अ काइंड ऑफ अ होम प्रोडक्शन जो मैं कर रहा था, जिसके लिए मैंने बहुत लुक बढ़ा के रखा, दाढ़ी बढ़ा रखी थी एंड ऑल दैट, इज़ गेटिंग रिलीज नेक्स्ट मंथ. सो बहुत जल्दी कुछ बहुत अलग देखने को मिलेगा, जो देखते आए हैं डांसिंग एंड नॉर्मल एक्टिंग से अलग बहुत इंटेंस वर्क है वो. सो आई एम रियली होपिंग कि वो देखने को मिले. सो दैट इज़ कमिंग ऑन एंड आफ्टर दैट देयर गोना बी न्यू थिंग्स, बट वंस इज़ डन देन इज़ गुड टू अनाउंस. सो या द मैसेज इज दैट आपने आज तक जितना प्यार किया है उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आई एम फाइंडिंग ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू एंटरटेन यू. वही कोशिश है जो फिल्म आने वाली, जिसका नाम नियति है, एंड मैं अनाउंस कर ही देता हूँ. तो आई होप आप सबको पसंद आएगी और बहुत इंटेंस सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है हर डिपार्टमेंट ने उसमें. सो आई रियली होप कि आप सब उसे देखोगे और पसंद करोगे. थैंक यू. हम लोग यहाँ पे, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है बैरल, बिकॉज माई ब्रदर डज शोज ओवर हियर, और जब भी 7 Band Night होती है तो मैं यहाँ हमेशा होती हूँ, और यहाँ पे सभी एक्टर्स आते हैं पार्टी करने के लिए मोस्टली. तो जो लोग नहीं जनरली मिल पाते अपने बिजी हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से, तो यहाँ पे जब गेट टुगेदर होता है, इनका शो होता है, सब साथ मिल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा ओकेजन होता है टू सेलिब्रेट सबका मिलना एक साथ. तो बैरल इज़ अ प्लेस जो कि बहुत स्पेशल है हम सभी के लिए, एंड हैप्पी बर्थडे टू बैरल. आई जस्ट टेक इट हाउ इट कम्स, एंड मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बोल के मैं उस चीज़ को शायद ज़्यादा आग उसमें ज़्यादा घी डालूंगी, तो इट्स बेटर दैट आई शुड बी क्वाइट एंड मैक आई नो दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. सो दैट्स इट. एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? ऑफकोर्स एक साल हो गया है, अब इतना खास हो गया क्योंकि ओपनिंग हम लोगों ने करी थी परफॉर्म करके, और सब भाई है हमारे, अनिल भाई, तौहीद, एंड बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने हमें यार, और आई थिंक अवार्ड भी ले लिया अब तो बैरल ने. तो आई थिंक ये सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा बर्थडे, मेरा परफॉर्मेंस. इनफैक्ट बैरल आज भी आप लोग हैं क्योंकि एक साल हो गया है. तो आई थिंक विशिंग बैरल ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऐसे ही बढ़ता रहे और सब आते रहे और हमारी फैमिली और बढ़ती रही. हो सकता है कुछ सरप्राइजिंगली मैं एक गाना गा दूं, बट डेफिनेटली शायद हो जाए कि गाना गा दूं. एक नया गाना है वो जो आँखों से, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए. ओ हो सलाम है जिंदा गाइस, लेट्स सेलिब्रेट. आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि कब ये चीज़ लीगल होगी, कब
इस चीज़ को परमिशन मिलेगी एंड फाइनली इस चीज़ को परमिशन मिल गई. और ये तो लव जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस और किसी चीज़ के साथ नहीं आता, ये प्रूव हो गया है फाइनली. सो लेट्स सेलिब्रेट. We got another reason to celebrate, yeah. He's not interested. He's like, okay, love. In fact, all of us, I think the entire country has got another reason to celebrate. I think it's very important. The blame game happening in this verdict, you know, it is started by Congress, now BJP is taking that credit. What's your take on that? I don't want to get into any politics because I'm completely out of it. Thank you. You're supporting everything. Everybody. Thank you, thank you, thank you, thank you. What visuals? I'm not getting anything that amazing. Into visuals. यार बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे अंधेरी में भी कोई एक स्टाइल ऐसी जगह को जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और आई एम वेरी हैप्पी फॉर सुवेद एंड अलीम की वो इतने सालों से इतने सारे क्लब्स को चला रहे हैं. और वेरी हैप्पी कि आज बहुत लोग आने वाले हैं, काफ़ी बॉलीवुड के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं. तो वेरी एक्साइटेड. वेरी हैप्पी फॉर यार, मैं तो बहुत खुश है क्योंकि आप देख ही रहे जिस तरह से ट्विटर पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट है जो इंडिया के लिए हुआ है, बहुत खुशी की बात है. तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर दैट. यार आई रियली डोंट नो अबाउट कि बीजेपी और कांग्रेस, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फाइनल व्हाट एवर इज हैपनिंग. आई एम हैप्पी फॉर दैट. आई नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस, जो भी डिसीजन हुआ वो हम सबके लिए अच्छा है. उस पर किसका हाथ है, कितना हाथ है, वेल लेट्स नॉट गो देयर. थैंक यू. Time rolling, time. Right, sir. Rolling. Good to see you. Good to see you. It's a celebration. Today is the birthday of Barrel. Today is also another celebration of the abolishment of Section 377. So, बहुत खुशी की बात है और अनिल भाई को बहुत सारी बधाइयाँ. बैरल हमेशा यू नो आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, जब यहाँ पर आओ तो आपका मूड अपलिफ्ट कर देता है और आप खुशियों में सराबोर हो जाते हो. तो मेरे और श्वेता की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ एंड हम उम्मीद करते हैं कि हम हर साल इसी तरीके से बैरल की एनिवर्सरी मनाते रहेंगे. I have no take. I only give. It means I give respect and expect respect. The Supreme Court, the Honorable Supreme Court has abolished E-77, which means there is an acceptance, there is a place for everybody. You, me, he, she, it, whosoever it is. You have a right to express your love, to make your love and to be in love with anybody. You do not need a certificate or a validation for it. Thank you so much. Thank you. What expect you tonight? It's a celebration today. First of all, yeah, congratulations to Barrel, Suved and Anil and to obviously Barrel ka jitna bhi staff hai, congratulations. Ab hum yahan pe aate rehte hain, har saal aate rehte hain, har saal mein I think 10 se 15 baar to aate hain. तो यस वही होगा जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं है. आई थिंक ज़्यादा कुछ होगा क्योंकि बर्थडे स्पेशल है. तो इट्स अ फर्स्ट बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे बैरल एंड वी ऑलवेज कम हियर एंजॉय आवरसेल्फ. सो टुडे इज अ स्पेशल डे. आई थिंक सारी थकान निकल जाएगी आज रात को, जितनी भी जिम में मेहनत की हम लोगों ने तो यहाँ पे थकान निकालने आ रहे हैं. एंड यस आप लोग भी आइए और बैरल में एंजॉय कीजिए. बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. और हम लोग बहुत आई मीन मोस्टली घर पे करते हैं, बट जब बाहर जाते हैं तो मोस्टली बैरल ही आते हैं. हाँ बैरल इज आर अड्डा आफ्टर बॉम्बे. बहुत सारे सॉन्ग. दारू बदनाम अभी हम वही सुन रहे थे गाड़ी में. एक्चुअली सीज़न अब ख़त्म हो गई, मतलब अभी हो रही है ख़त्म. और आई थिंक वी विल कम बैक विद सीज़न 3 नाउ बिकॉज ये सीज़न था. सो 44 एपिसोड्स आर गेटिंग ओवर. तो बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड बिकॉज ये टीवी के लिए पर्टिकुलर शो नहीं था, इट्स लाइक वेब. सो इट्स लाइक फ्यूचर ऑफ टेलीविजन. सो द चैनल्स लव द शो एंड एवरी वन. जब जिनको भी मैं मिलती हूँ, आज भी मुझे कुछ लोग मिले थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि आपका शो इतना अच्छा है, नेक्स्ट सीजन कब आएगा. सो आई एम हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग माय शो एंड थैंक यू. वी आर हैप्पी, वेरी हैप्पी. या वेरी आर वेरी हैप्पी. एक्चुअली आई फॉरगॉट टू वेयर द कलर बिकॉज आज देख रहा था इंस्टाग्राम पे भी काफी ये चीज ट्रेंड हो रही थी. एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, ऑल द पीपल हु सपोर्टेड एंड फॉट फॉर इट. सो यस वी आर हैप्पी यार. सो इक्वालिटी होनी चाहिए, देर आए दुरुस्त है. सो यस वी आर हैप्पी एंड I'm sure everybody is happy. Thank you so much. Thank you. चलो चलो ले लो फटाफट.
हाँ, वी होप दैट द प्लेस डज वेरी वेल एंड लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करें. It's good to be able to let loose and bounce away. So, and the location, and I'm hearing some awesome music inside. And so location is really very nice because it's very next to my house. So yes, definitely. Awesome. That's it? That's it. Thank you. Still also done. Can you tell me something? Vikas sir, Vikas sir. Sir, no question, no question. Here, Bharat. You know, Barrel's journey has been very important. The reason why I've come out today, even after I've not been well, I've just come out of hospital last night, is because Barrel has been very supportive. बहुत अच्छे causes के लिए भी उन्होंने बहुत support किया है. और जब भी कुछ भी important मेरी life में हुआ है, I have always had a great, great support from Anil, from Tawheed and everyone else also. So I feel that the place is extremely great. When Suved looks after any place, you should know that he will always have hospitality at its best. So I have a lot of memories attached to the place. The first time Barrel open hua tha, wo mere birthday ke liye open hua tha. So I think it's just that agar main aaj nahi aunga to bahut bahut bura lagta do teen logo ko. Aur mere liye mere friends aur relationships bahut important hote hain. To aisi shakal leke main yahan pahuncha hu. But I am hoping that Barrel does extremely well and we have Barrels in every city because it's a really nice place to come. The journey just started. Everyone will celebrate because the government of India has allowed कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी प्यार कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जी सकते हैं. हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, सुप्रीम कोर्ट भी, एवरी वन नो, अगर आप वो रोकना चाहेंगे तो रोक सकते हैं ना. पार्लियामेंट से कोई चीज़ अप्रूव होती है तब जाके वो जाती है, एक पूरा प्रोसीजर होता है. बट इट इज़ एन एक्सट्रीमली ग्रेट थिंग दैट दिस इज़ हैपेंड बिकॉज मुझे इतना लॉ का ज्ञान नहीं होगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं समझ रहा हूँ और समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों को छुपाना नहीं पड़ेगा वो किसको प्यार करते हैं और किसके साथ रहते हैं. अब लेकिन अभी बहुत बहुत लंबी जंग है. इट्स नॉट द beginning, it's just a beginning for a lot of fights that will happen because अभी आपने allow किया कि आप किसी को प्यार कर सकते हैं, आप वही प्यार करने वाले बोलेंगे उनको शादी भी करनी है, उनको साथ भी रहना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन at least एक start हुआ है and I think that start is wonderful and I'm very very thankful that the country and the people are so proud of the Supreme Court of India today because we are actually progressing in life now and that's the best part. वो हाई कोर्ट ने किया था. दिस इज़ द बिगेस्ट जुडिशल बॉडी ऑफ आर कंट्री और उन्होंने ये किया है. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग दैट नाउ, लाइक आई सेड, नो, ये जस्ट बिगिनिंग है. इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग फॉर द राइट्स फॉर पीपल टू बी एबल टू लिव नाउ हाउ एनी अदर कंट्री लाइक द अदर कंट्री लाइक नेदरलैंड और द US अलाउज इट. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत लंबी जंग है बहुत लोगों के लिए, लेकिन इस बात से खुशी होनी चाहिए कि अब आप जेल नहीं जाओगे. और ये केवल बात गेस के लिए, होमोसेक्सुअल के लिए या लेस्बियंस के लिए या ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं है. लेट मी टेल यू, अगर आपको पता नहीं है तो 377 डजन अलाउ यू टू मेक लव टू योर वाइफ द वे यू वॉन्ट टू. अगर आपको असली में कानून समझ में आएगा तो उसमें बहुत लॉज है. तो आई थिंक वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो या बाइसेक्सुअल हो, हर किसी के लिए ये लॉ 377 कटना बहुत बहुत अच्छा था. अगर आप जानेंगे इसको डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही वाहियात तकियानुसी टाइम का एक लॉ था जो कि बना इसलिए था कि कोई बर्गलरी का कोई केस हुआ था UK में, उसको उठा के उन्होंने पूरा का पूरा लॉ बना दिया. बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे प्यार कर रहे हो, प्यार करना चाहिए यार, नफरत नहीं करनी चाहिए. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. योर फ्रेंड पार्थ डूइंग द शॉर्टी जिंदगी की, व्हाट इज योर टेक, हैव यू वॉच्ड द प्रोमो ऑफ ब्रा? यस, आई हैव वॉच्ड द प्रोमो ऑफ कसौटी जिंदगी की बिकॉज मोर देन माय फ्रेंड पार्थ्स, इट इज माय सिस्टर्स शो एंड इट इज कमिंग बैक एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ द कंट्री अगेन एंड इट्स ब्यूटिफुल. व्हेन शाहरुख खान गोज अहेड एंड लॉन्चेस द लीड्स, आई थिंक not just me, the entire country watches it. Big Boss 12 ka promo dhamakedar launch hua hai Goa mein, kya kehna chahenge
जाते हैं। यार इतना पूछ रहे, मेरी तबीयत खराब है। बिग बॉस 12 इज गोइंग टू बी एज लेजेंडरी एज बिग बॉस 11 वॉज, बिकॉज बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं। और आज अभी आई थिंक राज सर ने ट्वीट किया कि मंडे टू संडे 9 o'clock सेम टाइम, सो इट्स गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग, मोर पीपल विल बी एबल टू वॉच इट, इट्स नॉट गोइंग बी लेट नाइट एनी मोर, सो आई थिंक इट्स गोइंग वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिग बॉस दिस ईयर। जोड़ियों में क्या कमाल होगा वो बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ का First of all, congratulations to Anil and Barrel is our second home actually. And Barrel एक हमारा घर है, मतलब anything कुछ भी होता है we just you know Barrel जा रहा है। जो जो music, जो warmth, जो comfortable, whatever we you know get from it, it's amazing. And congratulations to Barrel and Anil and the full team, Suved, everybody. I'm so happy, you know, it's our baby, you know, 1 year, wow, it's like amazing. The journey was very nice. Many more 100 years to come. Exactly. और मैं आपको अगले साल भी यहीं मिलूंगी, हर साल में यहीं मिलूंगी, and that's it. Very best of luck to all the team. That's it. Thank you so much. Thank you so much. Barrel actually मेरे लिए बहुत special है, so I will wish the whole Barrel team a very happy anniversary, a very happy 1 year anniversary to all of them. जी एक्चुअली मैं बहुत आती हूँ यहाँ पे, सो आई लव देयर ट्यूजडे नाइट्स, आई लव देयर फ्राइडे एंड सैटरडेज, सो आई हैव सम रियली स्पेशल मेमोरीज ऑफ क्लबिंग हियर, द फूड एंड एवरीथिंग, लाइक अ चिल्ड आउट सीन ऑल्सो, सो आई विश मेनी मोर ईयर्स एंड एनिवर्सरी टू द टीम। जी कॉम्प्लीमेंट तो आया था, शी वॉज वेरी हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस एंड शी वॉज लाइक यू रियली रियली लुक लाइक द कैरेक्टर दैट यू प्लेड। थैंक यू सो मच। हम काफ़ी अच्छी मेमोरी शेयर करते हैं, क्योंकि एक ये जो आप देख रहे हैं ना तीनों, ये हमारे आने वाले सुपरस्टार्स हैं, ये नए नए बच्चे हैं। हाँ स्प्लिट्सविला कर रहे हैं, बहुत बहुत पॉपुलर हैं, ये तो दो दो लीड्स करके बैठे हुए हैं, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट दे विल डू इन द नेक्स्ट 2 years। डू वेल, थैंक यू, थैंक यू। आशीर्वाद बना रहे सर का तो। हाँ तो हाँ, सुपरस्टार बन जाएंगे सर के जैसे, अभी बिग बॉस जाएंगे फिर खतरों के खिलाड़ी जाएंगे, है कि नहीं? क्या कहना है, जाओगी बिग बॉस, चलोगी मेरे साथ? पक्का चलूंगी। बोलो बिग बॉस वालों को हमें बुला लें। बुला लो। मेरे साथ चलो भाई। नहीं बैरल को हम कहना चाहेंगे, बैरल से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, हम लोग यूजुअली पार्टी करने बैरल आते रहते क्योंकि हमारे सब दोस्तों का है। एंड आज जैसे कि मैंने कहा कि आज सेक्टर 377 भी खारिज हुआ है, तो एक और रीज़न है हमारे पास पार्टी करने का, तो फुल ऑन पार्टी करेंगे, आप लोग भी पार्टी करिए। लव यू ऑल। यस अभी जैसे जैसे आप एपिसोड देखेंगे, आप देखेंगे मैं उनका फेवरेट था, और करेक्ट करेक्ट मैं नहीं, अभी आप और आगे देखेंगे तो आपको और पता पड़ेगा कि तो, क्यों फेवरेट थे ये दोनों। सबसे क्यूटेस्ट शो में क्यूटेस्ट कपल यही दोनों हैं, और सबसे गुड लुकिंग कपल भी यही दोनों हैं, सबसे गुड लुकिंग लड़का हमारा और लड़की हमारी, सबसे रॉक कर देंगे शो, यही दोनों जीतने वाले हैं। पर अभी आगे और बहुत मजा आने वाला है, इट्स गोना बी सो मच। अब हम दोनों फाइट नहीं करेंगे, अब हम मजे लेंगे, तो आप भी मजे लीजिए। कौन सी जोड़ी जीती है? आपके सामने खड़ी है। लव यू ऑल। हाँ वो पंजाबी खून है ना, वो थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है उसका, एकदम अपने पंजाब का पंजाब है, पंजाबी बोला था ना, देसी खून है हमारा, तो गरम हो जाता है जल्दी वो, बस तुम्हारा भी है देसी है, सिंधी है। नहीं नहीं सलमान इज सलमान कह रहा, सलमान आपने सिम्बा बोला, मैं सलमान बोल रहा, सिम्बा नहीं बोला, नहीं नहीं वही मिक्स हो गया ना, मैं बात अच्छा सिम्बा इज अ ब्यूटीफुल बॉय, सिम्बा वेरी हैंडसम,
बहुत इतना सुंदर लड़का है यार वो, मतलब हमारी तरह ही है, भगवान ने फुर्सत से बनाया है उसे। सबकी अपनी अपनी USP होती है, उनकी उनके लुक्स हैं। मेरी ये है जी श्रुति ना, नहीं फिर मैंने संभाल लिया ना, मैंने संभाल लिया। कोशिश करना, इन्होंने कोशिश की, उन्होंने ना बोला, आगे और भी ऑप्शन थे उनके पास, ये मिली इन्हें बेटर ऑप्शन मिली ना। मैं अभी भी कोशिश करता रहता हूँ। आई लव श्रुति बट अब मैं बनी थी इसके लिए, तो मैं क्या करूँ। रोहन इज अ ब्यूटीफुल बॉय, रोहन इज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉय, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उसको, और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। बस इन्होंने रोहन को देख के वीगनिज्म भी फॉलो करने की कोशिश की। चार दिन मैं वीगन भी बना था, पर फिर हुआ नहीं। फिर शोबे मैं सही में सनी लियोन ने बोला भी था कि मैं और पहले मैं, उसके बाद हम दोनों साथ में, सो मतलब बहुत ही मज़ा आया उनके साथ, क्योंकि वो बहुत प्यार देती थी, और जब आप उनको पर्सनली मिलते हैं ना, सो यू मतलब उनके साथ उनका नेचर जो है वो इतना लविंग है, और इतना मोस्ट स्वीटेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट। थैंक यू सो मच गाइस। So Battle is one of my favorite clubs and definitely I'm really really excited क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कब यू नो ऐसा कुछ पार्टी होगी एंड एवरीथिंग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली यू नो कुछ ही कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे यू ड्रेसअप प्रॉपरली, जहाँ यू फील के आप यू नो यूर योर सेल्फ, एंड दिस क्लब इज नॉट रियली अ क्लब, दिस इज लाइक अ फैमिली टू मी, एवरीवन, अनिल तोहिद एवरीवन। What is that? क्या कहना चाहेंगे इस साल का स्प्रिंग्स मिला, काफी इंटरेस्टिंग है और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, हमेशा की तरह बहुत ही मज़े, सब यंगस्टर्स हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, और हर दिन कुछ ना कुछ टास्क होता है परफॉर्म करने को होता है, और फिर यू नो आपस में बिहेवियर किसी के साथ बनती नहीं है, फुल मस्ती है, लेकिन बहुत बहुत मज़ा है यार सब। लेकिन इस साल का स्पेक्सुला इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कास्टिंग बहुत अच्छी है, आप देखो वो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब अलग अलग हैं, मतलब कोई यूनिकनेस है, हर कोई बिल्कुल अलग है, कोई काम है, मतलब इंटरेस्टिंग है इस बार स्पेक्सुला। क्या अभी मैं तो पार्टी ज़्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है, बट बैरल का एक साल जो हो चुका है तो कंग्रेचुलेशंस, और इंशाल्लाह और एनिवर्सरीज हों ऐसी, और पार्टी मैं भी ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा डांस वांस तो करेंगे, क्योंकि मैं अभी बिहार से अभी मुंबई में आई हूँ, तो इसलिए मुझे अभी एक मंथ ही हुआ है। मैं सेलेब से ज़्यादा कॉमनर को देखना चाहूँगी जोड़ी में, कि कहाँ कहाँ से इस बार जोड़ी में आ रहे हैं कॉमनर, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कॉमनर के लिए। आई एम श्योर, एक्चुअली पता है कि ज़्यादा एंटरटेनिंग वही होते हैं कॉमनर, और ऊपर से पेयर बन के आ रहे हैं ना, तो क्या कैसा पेयर आएगा, क्या होगा। थैंक यू सो मच, अमेजिंग नाइट, अमेजिंग ईयर, सब यहीं पर ही पार्टी कर रहे हैं, तो गॉड ब्लेस देम। Brand new album coming out, Ish Bector, Sunny Boy, next month. Check it out. Love ya. I'm just very happy that Barrel, सबसे पहले you know एक साल पहले यहाँ पर खुला था, because in this vicinity, I think this is one of the coolest you know go-to places to be at. और हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी आते रहते हैं, एंड इट्स रियली हैप्पी दैट इट्स सक्सेसफुली
you know, completed 1 year and wish them all the best ki many more years. No, for me, I think ek saal pehle jab iski opening hui thi to Suvej jo hamara dost hai usne hame bulaya tha, keh raha mera ek naya club shuru hua hai aur aksar andheri mein जब भी हम पार्टी करते हैं तो ज़रूर बैरल ही आते हैं बिकॉज आई थिंक इट्स गॉट अ ग्रेट एम्बियंस. और मुझे याद है पहली बार आए थे लड़कियां बार पे नाच रही थी सब कुछ. आई होप आज भी ऐसा कुछ हो. कायोटी अगली था बट बैरल इज़ अ वेरी पर्सनल प्लेस. अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव हैड देयर नाइट्स हियर इन द सेंस सम सिंगिंग नाइट्स एंड ऑल. इनका काफ़ी अच्छा म्यूजिक जोन भी होता है एंड वी रियली लाइक द प्लेस. इज़ अ नाइस ओपन प्लेस एंड सारे दोस्त होते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक बैरल फॉर मी इज़ सुवेद. सुवेद इज़ बैरल फॉर मी. Love always wins and I think I'm really proud of India today ki you know after all this after everything I think freedom for everyone, freedom for all, so I'm really happy. Not really anything, it's fine, it's good for all those who wanted this and it's been decriminalized but yeah, that's about it. Congratulations to all of you and as a lawyer, hats off to the legal team who managed to pull this off. रूमर्स को मैं यही डिनाई करती हूँ. हम बिग बॉस में नहीं जा रहे हैं. नहीं नहीं, आई विल लेट मी जस्ट क्लैरिफाई. हो रहा है, आई डोंट माइंड इट. हाँ मैं तो नहीं जाऊँगा, पता नहीं किसके साथ जाएगी. We are not going. I don't know. Right, I don't know. I haven't been approached for Big Boss. I haven't been approached. We're not doing it. But yeah, Maini, I think nowadays you get popular with Big Boss. I'd still like to be popular as an actor, so that's good. Yeah. Any more questions, guys? Thank you so much. Thanks. All right. Thank you so much. Love you all. I'm with the boys. Come to celebrate what exactly? 1 year. First year. भाई इन लोगों ने तो बहुत पार्टी. ये मेरे दाढ़ी के जो बाल सफेद हुए यहीं पे बैरल में हुए. मेरे तो यही नहीं. अब मेरे बाल जो मेरे बाल कलर इधर ही हुए. सो आई थिंक इस साल में कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 बार तो डेफिनेटली आए होंगे. हर सैटरडे, थर्सडे, ट्यूजडे कहीं ना कहीं तो हम पाए जाते थे. बट आई थिंक पर्सनली अगर किशोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, I think she loves this place. I'm talking about you. Yeah, that she's Kishwar. Yeah. So she genuinely loves this place. I think ek do baar hua jab main yahan nahi tha city mein, but phir bhi she'd come to party here. So I think nice table was playing tabai. But no, I said jab main yahan pe nahi tha Bombay mein, phir bhi aaye the yahan party karne. That means aaye the. Giving a bad example of me. Stephen was. टांग टूटी थी और हम लोग यही पार्टी करके निकले थे. लॉन्च के दिन इनका फोन आया, पैर फ्रैक्चर हो गया था इनका मैम का. यही कल इसी का लॉन्च था, बैरल का ही लॉन्च था. याद भी नहीं है. पार्टी छोड़ के आ गया था मेरे पास. आई थिंक Yeah, I mean, love is in the air now. But so I think, why not? I posted today. Make the best out of that side. I think. Just tell you go that side. Love is in the air. Basically, it's very nice. एक बहुत ही अच्छी चीज़ आज मैंने कहीं पढ़ी थी. He plus he is not he anymore, and it's a very good thing that finally I think India ने आज accept किया है. It's a very very good thing. So I'm very very happy for everybody. एक और फतेह हासिल करी है हमारे हिंदुस्तान ने. We are very proud. आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या कहना चाहेंगे भाई? कॉपी पेस्ट जो इन लोगों ने बोला. और मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को, जो हमारे कुछ और फ्रेंड्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, हु बिलोंग्स टू द फ्रेटर्निटी, एलजीबीटी फ्रेटर्निटी, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू. कांग्रेचुलेशंस. यस, फाइनली फाइनली यू गाइस कैन कम आउट एंड एक्सप्रेस योर लव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट फॉर दिस. थैंक यू. यहां पर क्या हो रहा है? चल ओके. आज हम बहुत धूमधाम से बैरल को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बिकॉज इट्स बीन 1 ईयर.
आर यू रेडी गाइस? रेडी? ओके. क्योंकि एक साल हो गया और इस एक साल में जो बैरल ने जितना धमाल किया है उतना शायद ही किसी क्लब ने किया है. और हम तो यहाँ पे एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे, एवरी संडे वी आर कमिंग हियर एंड वी आर इंजॉइंग अ लॉट. और आज भी हम खूब सारे इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे. अनिल जी, आज इन्होंने काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन रखा है. सब के सब लोग आ रहे हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं. और यस, हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज. या थैंक यू. Thank you. First of all, I would like to thank everyone of you because मुझे याद है आज से एक साल पहले इसी दिन आप लोगों ने पूछा था कि आप यहाँ पे जो आपने क्लब चालू किया है, यहाँ पे इतने सारे क्लब है, ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, सो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सर्वाइव. सो आज आप उसका रिजल्ट आप खुद ही देख रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी प्राउड. इट्स ऑल द अवार्ड. वी हैव गॉट द बेस्ट क्लब का अवार्ड अभी इन बॉम्बे 2018 बाय एलीट ग्रुप. सो दिस बेसिकली द सक्सेस ऑफ बैरल गोज टू द एंटायर टीम ऑफ बैरल एंड कंपनी. ईच एंड एवरी वन हु इज रिलेटेड टू बैरल इज मोस्ट थैंकफुल. एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स जो हमारे दोस्त जो पार्टीज़ करते हैं, जो यहाँ पे रेगुलर आते हैं, इनके लिए जो इन्होंने हमारे पर भरोसा दिखाया, हमें प्यार दिखाया. एंड आई विश हम इसी बहाने हर साल ऐसे ही कुछ ना कुछ एक नई सक्सेस पार्टी करते रहे. थैंक यू. अभी तो एक साल हुआ, ये तो हमारी शुरुआत थी इस इंडस्ट्री में. अभी वी आर ग्रोइंग मोर एंड मोर एवरी डे. लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड काम एटलीस्ट 3 प्लेसेस इन बॉम्बे. वी आर स्टार्टिंग इन कैलकटा, दिल्ली, पुणे. अभी हमने सैंटाक्रूज एयरपोर्ट पे जो सारा स्टार होटल है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू क्लब ओवर देयर कॉल्ड बैरल मेंशन. सो लाइक एवरी डे वी आर डूइंग समथिंग न्यू. मीडिया तो हमारी भाई है, इन्होंने ही हमको सक्सेस दी है. इसके लिए मैंने सबसे पहले थैंक यू आप लोग को ही बोला. You're most welcome. Thanks. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी बैरल को. मैं बहुत खुश हूँ. यू नो सुएद हमेशा मैसेज करते हैं और हमेशा मेक श्योर करते हैं कि अगर बैरल आओ तो ही मेक्स यू फील लाइक होम. सो थैंक यू सो मच सुएद एंड हैप्पी बर्थडे टू यू टू. कैसे सेलिब्रेट करती थी आप बर्थडे बैरल का बर्थडे? और एक साल कम्प्लीट हो चुका है लेकिन पता ही नहीं चला. ऐसा लगा कि कल ही बैरल खुला. इतनी ज़्यादा मेमोरीज नहीं है लेकिन अब से बनाऊंगी. मैं ऑफकोर्स बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कसौटी ज़िंदगी की मैं बचपन में देखती थी और अब पार्ट टू आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ दैट इट्स गोइंग टू बी न्यू, इट्स गोइंग टू बी मॉडर्न एंड इट्स गोइंग टू बी डबल द फन क्योंकि इट्स कसौटी ज़िंदगी की टू. तो आई एम एक्साइटेड फॉर द शो. ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू वॉच इट. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई थिंक यू नो फाइनली इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग. इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑलवेज फॉट फॉर लव एंड नाउ इट्स लव. सो एनीबडी शुड लव एवरीबडी एंड एवरीबडी शुड लव एनीबडी हूएवर दे फील लाइक दे कनेक्ट टू. सो आई एम टोटली विथ इट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी दैट वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट दिस डे. आई थिंक आई एम सेलिब्रेटिंग इट टू. थैंक यू. Okay.
सक्सेस को ही सेलिब्रेट करने आया हूँ बिकॉज सुवेद के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा बहुत ही खास दोस्त है, मेरे भाई जैसा है। सो यहाँ पे मैं सुवेद को विश करने आया हूँ, बैरल को विश करने आया हूँ क्योंकि एक साल हो गया है। सो या इट्स अ ग्रेट ओकेजन यार। एक्चुअली मैं बहुत नहीं आता हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं करता हूँ, सो मैं बैरल कुछ खास ज़्यादा नहीं आया हूँ, बट दो तीन बार आया हूँ, जब भी आया हूँ अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सी बिफोर ड्रिंकिंग आई प्रेफर कमर्शियल इंग्लिश म्यूजिक, बट आफ्टर ड्रिंकिंग इट्स बॉलीवुड। थैंक यू। आर वी रोलिंग? बस मैं सुवेद और सुवेद की सारी टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। कंग्रेचुलेशंस, एक साल हो गया, इट्स वेरी कूल, इट्स फनी दैट आई हैव नॉट बीन हियर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड जस्ट हैप्पी फॉर सुवेद। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, किस तरह की मेमोरी शेयर करते हैं बैरल के साथ? जी मैं यही कह रहा था कि बहुत आयरोनिक है कि आज बैरल की 1 ईयर एनिवर्सरी है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू बैरल एंड जस्ट हैप्पी टू बी हियर फॉर सुवेद। जी जी, मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉर टेकिंग दिस डिसीजन दैट दे हैव टुडे। आई थिंक बहुत लॉन्ग ड्यू था एंड फाइनली ये कर दिया, मैं बड़ा खुश हूँ। और आई थिंक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड मार्केट, फॉर द वर्ल्ड टू सी दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिव एंड दिस इज हाउ वी थिंक एंड आई एम विद इट, आई एम विद 377। वेयर कैन यू सी मी नेक्स्ट? यू सी मी हियर राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट गाइस। We love you, Barrel, yeah, for always being there when all other parties giving are shut. Giving us the best nights. When our parties at Barrel. All the Saturdays, for yeah, sure. Every Saturday. And Tuesday, Models Night. Yeah. Barrel is the place to go to. It's on even on a Sunday, that's great. She's a new addition. So it's her first time. It's her first time out with us. Birthday. Yeah. So Shagun and me are both doing two Aashiqui together. She's playing Richa, so it's our first night out today. And yeah, we have been going out since like years now. Yeah, so we always come to Barrel. Look up Barrel Facebook pictures, you'll see us. Yeah. Most of the Saturdays. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Hi guys. बैरल आई थिंक इतनी सारी, एक साल में मैं ऑलमोस्ट हर महीने दो तीन बार यहाँ आई ही होंगी बैरल। सो बैरल इज़ लाइक होम, बैरल इज लाइक फैमिली और बहुत अच्छा लग रहा है। एक साल हो गया है, आई होप कि और बहुत सारे साल हों और हम लोग ऐसे ही आते रहें बैरल। और बैरल का जो फील है वो आई थिंक इतनी सारी जगहों का नहीं है। सो आई रियली लाइक दिस प्लेस एंड ऑल द बेस्ट बैरल। कुछ खास मेरा लुक नहीं है, मैं उमरगांव में शूट कर रही थी, मैं उमरगांव से इधर आई एंड आई एम हियर टू सेलिब्रेट। तो एज सच कुछ नहीं है, जो मुझे मिला मैंने फटाफट पहन लिया एंड आई होप आई एम लुकिंग डिसेंट इनफ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टा पे भी शेयर किया है दैट इट्स अ रियली नाइस थिंग, लव इज़ लव, एवरी वन इज शेयरिंग। सो हैशटैग आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दिस वर्डिक्ट। थैंक यू। Yeah, rolling. Rolling. Sir, look camera. सबसे पहले तो मैं सभी को सलाम कहना चाहूँगा बिकॉज बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत ही करीबी मेरे जो एक फ्रेंड है वो एहमद साहब, जिस साथ में आप मुझे जो है खुश करें। मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक साल कम्प्लीट किया है और उन्होंने बहुत ही एक्चुअली ये सबक वन ऑफ द बेस्ट नहीं द बेस्ट क्लब या लाउंज आप जो भी कहें है और मैं चाहूँगा कि अल्लाह बहुत तरक्की दे और ये बहुत बहुत ग्रो करें बिकॉज बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा क्राउड है। Place is very nice because the kind of crowd which comes here is very nice and jo yahan pe jo staff hai bahut hi acha hai, sab bahut acche se you know sabko treat karte hain and jab bhi event hua hai yahan pe main bhi aaj ek saal hue hain to main aaj bahut celebrate
सरगुन की आज बर्थडे भी है तो क्या कहना चाहूँगा सरगुन को तो मैं बहुत सारी खुशी देना चाहती हूँ क्योंकि सरगुन तो हमारे सुपरस्टार है हैप्पी बर्थडे माय डियर ब्यूटीफुल रॉकस्टार फ्रेंड एंड जिस तरह से हमें यू नो प्राउड फील करा रही हो वैसे ही करा दी रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट वी ऑल लव यू के बारे में दोनों अच्छी बोलो तो ड्रेस भी और बैग भी दोनों फ्रेंड का है Absolutely amazing. I love Barrel and Company and keep coming back. Thanks. Yeah, congratulate the Barrel team. Anil sir se bahut hi acha relation hai and Riya wo bhi yahan kaam kar rahi hai and amazing club hai. Hum yahan pe mostly yahan pe aate hain chal karne ke liye and I hope ki ye aur zyada rise kare and aur youth mein chahe. Well, aisa koi ब्रेक नहीं ले रहा हूँ एक्चुअली मेरा दूसरा प्रोजेक्ट रेडी है जिसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूँगा बट हाँ मरियम का ट्रैक अभी एंड होने वाला है बिकॉज पोस्ट लीप जो चीज़ें हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगा तो लीप तक मैं हूँ और जैसे ही मरियम लीप लेगा तो आई विल टेक अ लीव बहुत बढ़िया है बिल्कुल कर ले यार बात बिल्कुल डेफिनेटली हाय गाइस हाय हाय हेलो हेलो आ जाओ कर ले यार एकदम सबसे पहले तो बैरल ने एक साल कंप्लीट कर लिया है बर्थडे है बैरल का कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोग भाई जैसे बिल्कुल बैरल सेलिब्रेट करता है बिल्कुल वैसे ही मतलब अंदर जाके पार्टी होने वाली है दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी आई होप आप लोग पार्टी के बाद यू गाइस वोंट बी हियर बिकॉज़ देन यू विल कैप्चर अस हां उसके बाद वाला तुम नहीं देख सकते यार ऐसे मत करो बट यस एक साल पूरे हो रहे हैं यार दोस्त की जगह है एंड आई थिंक इट्स इट्स लवली कांग्रेचुलेशंस टू बैरल एंड द टीम सुवेद एवरीबॉडी दे हैव डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब सो हां अरे भाई यार आई एम वेरी हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी सुबह से हम से सब लोग यही पूछ रहे हैं दैट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट सेक्शन 377 आई थिंक इट्स ग्रेट यार व्होएवर्स टेकन सुबह से पूरी दुनिया रंगीन हो रखी है एंड आई थिंक इट्स इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस और सेलिब्रेट करना चाहिए दिस इज ऑल अबाउट लव थैंक यू गाइस थैंक यू एंड एवरीबॉडी गुड लक चलो थैंक यू क्या हुआ इशारे ले लेना भाई आप फिर से वो जर्नी शुरू हो गया आई वुड लव टू सी इट ऑल ओवर अगेन एंड थैंक यू गाइस हैव अ ग्रेट डे आएगी मुझे पूछोगे यार अगर मैं बैरल के बारे में बोलूँ ना मुंबई में अगर कोई हैपनिंग प्लेस है वो ये है आज ही एक साल का हुआ है बहुत जल्दी है देखते देखते 25-30 साल का होगा और इसके छोटे छोटे बैरल घूम रहे होंगे तो बहुत बहुत बधाई है इनको जल्दी से ज़्यादा बड़े हों और बस आप भी जियो हम भी जिए okay,
यार मैं एक बार होके आ गया हूँ और हर बंदे को ना एक एक बार मौका मिलना चाहिए। तूने पूछा है तू जोड़ी बना और जल्दी से जा, और अगर मैं चाहूँ जोड़ी तो मेरी तो यार एक ही बंदा है, मेरा तो दोस्त और भाई भाई जो भी था जो आपने बिग बॉस 10 में देखा होगा, मन्नू। और अगर मौका मिलता है तो हम दो ही साथ जाएंगे, और बिग बॉस को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हर बार की तरह ये वाला शो भी बहुत सक्सेसफुल हो। और अच्छी बात है कि नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, पहले कॉमनर था, उसके बाद फिर एक एंट्री थी, और अभी आपका जोड़ी है। यार देखो, हाँ वो मैं बोल देता हूँ, आज मैं अगर दिल्ली में होता ना कोई मेरे को कुछ नहीं पूछ रहा होता भाई क्या खा रहा है क्या पी रहा है, बट मुंबई में रहने का मतलब है रूमर में रहना, तो चलने दो तो चल रहा है। भाई मेरा रिलेशनशिप होता तो मेरे साथ ही घूम रहा होता कोई ना कोई, है ना। और अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इतना बड़ा अभी कोई सेट नहीं हुआ हूँ यहाँ पे कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ, अभी तो मेरा रिलेशनस यही है लगा के, बैरल हो गया, तोहिद हो गया, अनिल हो गया, और अगर ऐसा कुछ होगा तो जल्दी सुनने को मिलेगा। हाँ यार ये पूछा ना इसने, यार देखो इंडिया में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, और बहुत सारी पॉलिटिक्स से लेके और कहाँ कहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना इन लोगों को तो फ्री छोड़ा जाए, इन लोगों को मतलब हम जैसे लोगों को। आज कितने सारे शोज़ पे ऐसी चीज़ें आने लगी जिनको लोग देख के ना एक अलग इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ यार ये लोग काम कर रहे हैं, ये भी वैसे ही लोग हैं। अभी इनको हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि आप ऐसे हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी या आप ये काम नहीं कर सकते, तो मतलब कि इट्स अ कहते ना उसको हिस्टोरिकल डे हो गया ये, और बहुत बहुत बधाई सुप्रीम कोर्ट को भी और उनके फैसले को भी, थैंक यू। कैसे कैसे आप लोग? सर मैं नेक्स्ट डोर मेरी फिल्म का प्रीमियर था वन रिपब्लिक में, वहीं से आ रहे हैं, तो अभी उसके हैंगओवर में हूँ, बट सुवेद इज अ ग्रेट फ्रेंड, बाइकर बॉय, दैट्स हाउ आई नो हिम। सर फक ऑफ मैन, पागल है। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई को, एक फिल्म बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, आई एम सॉरी फॉर बाजिंग योर इंटरव्यू। तो देखो सुवेद को मैं बहुत सारे कॉन्ग्रेट्स करूँगा, बाइकर बॉय बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छी बाइक चलाता है, ये भी बाइक नहीं जाता था। तो अपना इंटरव्यू कर दूँगा। बहुत अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आज जो लोग आए थे वो सब जानते थे हम लोगों को, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्यार होता है अपने लोगों में, तो वो शायद तारीफ ही कर देते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो जनरल ऑडियंस है वो देखे और उनसे मुझे पता चलेगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि जेपी सर ने जो आई वुड से इट्स अ मास्टरपीस, जैसे उनकी बॉर्डर थी, एलओसी थी, उनकी ट्रिलॉजी कंप्लीट होती है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर, उन्होंने एक एपिक मास्टरपीस बनाई है, उम्मीद है लोगों को पसंद है। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव अ लॉट ऑफ गे फ्रेंड्स, अ फ्यू ऑफ देम आर हियर एंड दे सीम टू बी सेलिब्रेटिंग एंड दे सीम दैट दे कैन नाउ फाइनली ब्रीथ एंड आई डोंट नो हाउ व्हाई डू पीपल डिफरेंशिएट, इट्स गॉड्स क्रिएशन एंड लव विंस इन द एंड, वेरी हैप्पी फॉर एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। बैरल आपने वन ईयर कंप्लीट कर लिया एंड दैट्स इट। वैसे आई डोंट पार्टी, आई एम नॉट अ पार्टी पीपल, सो ठीक है, आई जस्ट केम टू मीट माय फ्रेंड्स एंड ऑल, दैट्स इट। शुक्रिया। मैं बस एक ही वर्ड बोलूँगी, बेपना मोहब्बत है मुझे आप सब से, आप सब मुझे बेपना मोहब्बत दे रहे हैं, शुक्रिया, दैट्स इट। I love them. I love Jennifer. I love Harshad. I love all of them. Like our whole team is very good.
we all are very, you know, we having fun, we have fun on set, and I'm learning from Jennifer a lot of things. Yeah, she's super cute. She's like, I adore her. I love her. That's it. Yeah. I don't want to say anything regarding this. Please, I don't want to say anything regarding this. No. Yeah, sure. Barrel ka pehla anniversary, so I would like to congratulate him and his entire team, Anil and everybody, all the very best, because this is an amazing nightclub and it has the best ambience, and it's the, you know, the it's wonderful, it's lovely to be here. I've come here a couple of times, bahut maza aata hai, and thanks for inviting me, and I'm always there to support you. And I'm always there to support you. Like, what do you want to say about Section 377? Sorry? Section 377. चलो यार, ये गलत टाइम है इस सब बात करने के लिए. इट्स गुड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड. ये अभी बैरल के बारे में बात करते हैं. इट्स गुड, एवरीबॉडी इज हैप्पी अबाउट इट. देयर इज अ टाइम टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, दिस इज नॉट द टाइम. ऑल इज गुड, एवरीबॉडी इज हैप्पी अबाउट, एवरीबॉडी इज हैप्पी अबाउट एवरीथिंग दैट्स राइट बाय द लॉ. द लॉ डिड इट, इट्स राइट, द लॉ प्रिवेल्स ब्रदर. ओके, it's a lovely place. I've been here before and I enjoyed it a lot tonight. It's beautiful. Well done. Thank you. Chale. Nice talk. Thank you very much. You're a good question. Thank you.